इतनी नजाकत तुम में है, इतनी किसी औरत में नहीं। आप यू शट अप, तो ये जो अनारकली बन के आया हुआ ना, थोड़ी देर में मुजरा अंदर होने वाला है। यू मीन पिंकी पू, यू स्टिंकी गू, यू मीन पिंकी पू, यू स्टिंकी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम इश्मिता क्षत्रिय फन एक्सप्रेस। तो आज का वीडियो बहुत ही चटपटा और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी करण जौहर, जो कि सबके महाराजा, सबके अध्यापक, नेपोटिज्म का सरताज करण जौहर के बारे में आज बात करेंगे। कभी उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, कभी उनके कमेंट्स, कभी उनकी कंटेस्टेंट के ऊपर टिप्पणियों को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं। एक हद तक ऑडियंस भी नहीं समझ पाती है कि किस बेसिस पे करण जौहर को जज की कुर्सी दी गई है। हाल ही में वो झलक दिखलाजा को जज कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शो को जज किया, इंडिया गॉट टैलेंट को जज किया। किरण खेर ने बहुत ही अच्छे तरीके से वाट लगाया करण जौहर की। वो तो बेवाक है, वो तो बोलने में बहुत ही माहिर है। करण जौहर को असली आईना उन्होंने ही दिखाया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, सो बेल आइकन को पहले दबा दो यार, ताकि आपको जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड, दिस इज माय गेस्ट। और ये क्या पहन के आ गया तू आज? टेल मी दैट। प्लास्टिक लग रहा है, प्लास्टिक शीट जो लगाते हैं ना लोग अपने घरों के ऊपर बारिश में, वो पहन के आया। मतलब आजकल तुम लोग सिर्फ अंडरवेयर पहन के भी चले जाओगे तो न्यू लुक हो जाएगा, है ना? बात तो सही है कि आजकल सिर्फ अंडरवेयर ही पहन ले या फिर ना भी पहने तो भी फैशन कहा जा रहा है। रणवीर सिंह को देखा ना आपने? ये लेडीज जो है ना एकदम सही बातें के दिल से निकल रहा है, और ये इंसान पता ही नहीं मजाक में ले रहा है कि क्या ले रहा है, लेकिन एकदम सही बात बोल रही है ये। न्यू लुक का क्या मतलब होता है करण? अ लुक मस्ट बी ग्रेसफुल एंड नाइस। एक तरफ से टूटा लगता है, टूट गया इसका इयररिंग। प्लीज सॉरी, यू नेवर लुक पूरा, यू आर ऑलवेज लुकिंग अधूरा। कभी तेरी पैंट फटी होती है, कभी तेरे जूते में कुछ बकवास होता है, कभी तेरी शर्ट, तेरी कोट। यू नेवर लुक्स पूरा, यू ऑलवेज लुक्स अधूरा। अरे अधूरा है ही वो, अधूरा है ही। नहीं वो जेंट्स में काउंट होता है, नहीं लेडीज में काउंट होता है, तो अब क्या ही बोले यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोफा का कवर है तू, जा इधर से। वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर, अपना घुटना साफ करके आना नेक्स्ट टाइम ये फटे हुए जीन्स पहनने। रियली यू गॉट टू गेट ओवर इट, यू जस्ट गॉट टू गेट ओवर माय जीन्स। व्हाई सोफा का कवर? लेकिन बिल्कुल सही बोला, मतलब ये सोफा का जीता जागता एक सोफा चल के दूर से आ रहा है ऐसा लगता है। यू शट अप, तू ये जो अनारकली बन के आया हुआ ना, थोड़ी देर में मुजरा अंदर होने वाला है। मतलब कभी लगता है सोफा सेट जीता जागता सोफा सेट चल के आ रहा है, कभी लगता है फ्रिज कवर चल के आ रहा है। मतलब इतनी बड़े हो यार तुम, सबको यू नो मूवी देते हो, थोड़ा अच्छी खासी अच्छे ड्रेस में पहन लिया करो। कभी तुमने ओल्ड थिंग करी? न्यू थिंग भी ये पहने वो फैशन का नाम दिया जाता है भाई, उसे न्यू थिंग कहा जाता है, उसे क्रिएटिविटी कहा जाता है, उसे फैशन आइकॉन कहा जाता है। मतलब इसकी ड्रेसिंग सेंस से उर्फी जावेद की ड्रेसिंग सेंस का कंपेयर करें ना, वो तो मोहतरमा कुछ पहनती नहीं है, और ये मोहतरमा या महाशय जो भी कहो यार, ये इतना पहनता है कि एकदम बेकार ही लगता है। क्या पहना हुआ तूने यहाँ? तेरी जैकेट के ऊपर पांच फूला रानी लग रहा है, सारे रोजेस है पिंक कलर के, बिल्लियां नीले उसमें, लाल जूते, लाल छड़ी मैदान खड़ी। But you're looking so bad, it's not coordinated with anything. Well, that's... अरे भाई इतनी इंसल्ट कौन करता है? मतलब मुंह पे किरण खेर जो इंसल्ट किए जा रही, मतलब आज के जमाने में आप ड्रेस किसी भी टाइप का पहन लो, कोई भी कतरन चिपका लो, उसको फैशन का ही नाम दिया जाएगा। एक ये तो अध्यापक है, इसके जितने भी चेले है ना, चेले में सबसे पहले है रणवीर सिंह, वो भी उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब कुछ भी चादर छाप, कुछ भी सोफे की कवर, कुछ भी पहनकर आ जाता है और फैशन दीवा। आखिर लड़कों को करने के लिए है ही क्या? एक मोहतरमा फैशन आइकॉन बन के जो चली गई, उनकी शादी हो गई सोनम कपूर जी, उसके बाद से ये आ गए ये दो चेले। मतलब ये सभी एक ही स्कूल के हैं, और इसके जो अध्यापक है वो है करण जौहर। मतलब सभी अब बताओ, जिस स्कूल के अध्यापक करण जौहर हो उसके स्टूडेंट कैसे होंगे भला? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वैसे ही मजेदार वीडियो के लिए, ऐसे चटपटी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बार बार मैं वीडियो जब बनाऊं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। और इधर से ऐसे निकलता है, इधर से ऐसे निकलता है, जितनी नजाकत तुम में है इतनी किसी औरत में नहीं। आप